स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राणा शुगर लिमिटेड के बारे में। 42 रुपए पे आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अभी बाइंग के लिए स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका स्टॉक का प्राइस हमें काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो अभी अवॉइड करना है या बाय करना है, इस पर बात करेंगे, एज वेल एज कंपनी की डिमांड कितनी बढ़ने वाली आगे आने वाले समय, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखे तो ऑलमोस्ट 650 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। और जैसे जैसे इस स्टॉक का प्राइस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, इसका मार्केट कैप भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। कंपनी का डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का डेप्थ काफी अच्छे से रिड्यूस हुआ है। पहले 800 करोड़ का, मोर देन 800 करोड़ का डेप्थ था, लेकिन अभी 174 करोड़ का डेप्थ केवल रह गया है। कंपनी का वैल्यूएशन काफी कम है, यानी बहुत सस्ती कंपनी आपको मिल रही है। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो कि काफी कम वैल्यूएशन का होता है और उसका फंडामेंटल अच्छा होता है, तो वो आगे हमें उसका वैल्यूएशन बढ़ते हुए देखने मिलेगा। यानी वैल्यूएशन बढ़ने का मतलब कि कंपनी महंगी होगी, यानी उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अभी उसका जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन काफी कम है, लेकिन कंपनी और ऊपर डिजर्व करती है, क्योंकि इसका आरओसी और आरओई भी आपको अच्छा देखते हुए मिल रहा है। यानी कंपनी अभी और ऊपर जा सकती है। बुक वैल्यू 28 रुपए है और करेंट प्राइस है 42 रुपए स्टॉक का। आज के दिन स्टॉक ने हाई लगाया है और एक साल का जो हाई है वो इक्वल है, और 9.35 रुपए का लो एक साल में लगाया है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, इसलिए 0% आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पे कम है, 22% है ऑलमोस्ट, और प्लेज परसेंटेज 0% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 15.5% का सेल्स ग्रोथ है। पहले की बात करें डेप्थ कितना था, तो 823 करोड़ का डेप्थ था, लेकिन अभी 174 का है। एसेट 834 करोड़ का है और 276 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी यहाँ पे शुगर एथेनॉल का मैन्युफैक्चर करती है, और एथेनॉल की डिमांड आपको ही पता है कि आगे कितनी ज्यादा रहने वाली है। फ्यूल में भी हम एथेनॉल का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इस वजह से जितने भी एथेनॉल के स्टॉक हैं एज वेल एज शुगर सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं वो हमें काफी ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2 साल से कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रॉफिट में है लगातार, लेकिन 2018 और 19 में कंपनी लॉस में थी। एटलीस्ट कंपनी ने यहाँ पे डेप्थ भी काफी ज्यादा अच्छे से रिड्यूस किया, और कंपनी प्रॉफिट में भी है और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अब धीरे धीरे करके अच्छा परफॉर्म कर रही है और ग्रो हो रही है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी आपको और अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप यही एक्सपेक्टेशन करिए कि आगे आने वाले साल में ये स्टॉक आपको 2-3 गुना रिटर्न दे सकता है, अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं तो। आ चुके हैं इस स्टॉक के चार्ट पे। अब यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 38 रुपए का एक रेजिस्टेंस था और ये स्टॉक ने ब्रेकआउट कल के दिन ही दे दिया था, और आज के दिन ये इसकी ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट 40 रुपए के आसपास और इसकी क्लोजिंग 42 रुपए तक हुई। यानी स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो यहाँ पर कल के दिन दिया था और आज के दिन ये काफी ऊपर गया है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पे एनालिसिस के थ्रू पता चल रहा है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट ट्रैप भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एनएससी में आएंगे और यहाँ पर इस कंपनी का डिलीवरी देखेंगे कि कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है, तो यहाँ आप देखेंगे कि लगातार डिलीवरी कम होती जा रही है। पहले 41%, फिर 51%, फिर 51, फिर 36, फिर 27, और आज के दिन 27% डिलीवरी आई है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि आज के दिन पूरा जो भी आज का दिन था उसमें क्या किया गया, बाइंग किया गया, आज के दिन बाइंग किया गया और स्टॉक को सेल कर दिया गया, जिससे क्या है कि 27% ही डिलीवरी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे ये होता कि बाइंग कर लेते हैं और सेलिंग ना करते हैं, आप खुद सोचिए जो बड़े निवेशक हैं या जो बहुत जो ब्लॉक डील होती है उसमें बाइंग कर लिया गया है लेकिन सेल नहीं किया गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन बाय करके सेल कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, इंट्राडे कर रहा गया है और स्टॉक में किसी ने भी अपनी होल्डिंग रख के नहीं गए, यहाँ पे अपनी होल्डिंग आज बढ़ाई, मतलब आज ही के दिन माल खरीदा और आज ही के दिन बेच दिया, ये यहाँ पे सिनेरियो हुआ है, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पर 27% देखने को मिल रही है, काफी कम है जो कि, तो इस वजह से यहाँ पे ये स्टॉक आपको नीचे आते हुए भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन मार्केट माइनस था, उसके बाद भी ये जितने भी शुगर सेक्टर के स्टॉक है सारे के सारे स्टॉक हमें ऊपर के लेवल पे देखने को मिले। तो मैक्सिमम स्टॉक में क्या हुआ, इंट्राडे हुआ, यानी कि स्टॉक को आज ही के दिन खरीद के बेचा गया। तो इसमें ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया तो काफी ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो सेलिंग विक भी आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे पूरा फोकस रखिएगा, ये इतना जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, इतना लेवल
ये क्या है, सेलिंग वीक है। तो रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद सेलिंग वीक नहीं आनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए जो कि आया है, सेलिंग वीक नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है वो बहुत क्विक बननी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये स्टॉक में क्या है था कि लगातार कंसोलिडेट कर रहा था और रेजिस्टेंस के बार बार करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर ये चांसेस थी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट हुआ भी है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है और यहाँ पर जेन्युइन भी हो सकता है, ये आगे आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन यहाँ पे बताएगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या फिर 6 से 7 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं इस स्टॉक में, तो आपको काफी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत, मतलब आपका क्या काम है कि स्टॉक को बाय करके 1-2 हफ्ते में सेल करना है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप 6 से 7 महीने या साल भर के लिए अगर स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। स्टॉक अभी 42 चल रहा है तो आपको 1 साल के अंदर ही 80 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी आपको शुगर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं सब आपको दुगना होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो बड़े बड़े स्टॉक हैं वो शायद 1.5 गुना हो, लेकिन बढ़ेंगे सारे के सारे स्टॉक, क्योंकि जिस तरह से इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है सारे के सारे स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो 3 सेक्टर हैं जो कि काफी अच्छा चलेंगे, पहला इथेनॉल का है, दूसरा पावर का है और तीसरा टेक्सटाइल का है। ये तीनों अभी काफी अच्छे से ऊपर जाएंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बाय कभी भी कर सकते हैं स्टॉक को। अभी भी ये स्टॉक ऐसे कीमत पे है जो कि काफी कम पे है, यानी कि स्टॉक को अभी भी इसी भी लेवल, इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको इतने रुपए पे देखने के लिए ऐसी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये स्टॉक अभी ऊपर जब जाएगा तो फिर नीचे नहीं आएगा। जो 40 का आप सोच रहे हैं कि वापस से जब 40 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा, ऐसी चांसेस नहीं मिलेंगी अगर आपने अभी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा एक प्राइस चल रहा है जिस प्राइस पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो आई होप ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टॉक को बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस के बाद ही स्टॉक को आप बाय सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।